हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। देखने लायक रेसोर में सोनिया सत्तानी आप सबका घना स्वागत करूं छू मारे खास हरियाणवी बुलेटिन में। तो चालो बुलेटिन की शुरुआत करांगे आज की बड़ी और अहम खबर की गेला। बड़ी खबर आपने बता दें जो कि चंडीगढ़ तशामी आरी से नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते टाइम उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण की कोई उपलब्धि को से यानी कि जो बजट सत्र हुआ उन पर भी उन्होंने कटाक्ष करे से भी कहा कि धान घोटाले पर कोई चर्चा नहीं हुई इस टाइम की बड़ी खबर से और उनने दोली की जमीन न लेके न्यू कयास है सरकार ने कोई भी सवाल पर जवाब को न दिए न्यू भी कयास है कि या जमीन पंचायती से और पंचायती जमीन के होने के बावजूद भी उसका हक बने से इस जमीन न लेने का इसकी गेला उन्होंने न्यू भी कयास है कि माइनिंग के घोटाले पर सरकार चुप से और नई आबकारी नीति पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नई आबकारी नीति पर कयास है कि एक ओर तय 700 गांवों में शराबबंदी कर दी से तो दूसरी ओर 1000 का लाइसेंस भी दिया जा रहा है। तो देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आबकारी नीति ने लेकर बहुत बड़ी बात कही से और एसवाईएल पे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले हैं एसवाईएल पर कई आशय कि एसवाईएल का एक एक बूंद का पानी लेकर आवेंगे और एसवाईएल ने लेकर मुख्यमंत्री जड़क आवेंगे उड़ा उनकी गिल्ला जानना तैयार सू। तो बड़ी खबर बता दें तो चालो रुक करांगे इस टाइम की एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें चंडीगढ़ तारी से अब चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब चौटाला ने कहा से कि प्री बजट सेशन में उन तय सीमित टाइम दिया गया उनकी जो राय थी वो भी नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि मन तो कई सवाल पूछने थे लेकिन मेरे तथा सवाल पूछने का भी टाइम नहीं दिया गया बहुत सीमित टाइम था। उनकी ओर तक कहा गया कि भ्रष्टाचार के सवाल पर भी बोलन नहीं दिए गए बहुत कम टाइम था। बिजली मीटर पिलर बॉक्स में घोटाले हुए उन्हें सरकार पर यह भी आरोप लगाए से और कई सवाल भी सरकार तक पूछे से। तो बड़ी खबर अब चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से थोड़ी देर पहले हम आपने बताने लग रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से तब चौटाला ने भी सरकार पर जो से कटाक्ष करे से उन्हें कह आशा कि मन तक कई सवाल पूछने थे लेकिन मेरे तथा सीमित टाइम दिया गया और उतने टाइम में मन सरकार तक सवाल पूछे और भ्रष्टाचार के सवाल पर तो वह बोलन नहीं दिए गए। तो देखो उन्हें कितनी बड़ी बात कही से न्यू भी कह आशा है कि बिजली मीटर पिलर बॉक्स में भी घोटाले हुए से। तो अब आपने बड़ी खबर बताने लग रहे साहब चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से इस दौरान उन्हें सरकार पे भी कटाक्ष के ऐसा कई सवाल भी इसकी गेला पूछे से। मुद्दे भले ही अलग अलग हो लेकिन बजट सत्र का हर दिन हंगामेदार रहा है। विपक्ष सरकार ने घेरण में कोई कसर नहीं छोड़ने लग रहा है। बुधवार ने भी बजट सत्र में गेम आ गेमी देखने मिली। देखो हर दिन नए मुद्दे की गेला विधानसभा में विधायिका का हल्ला बोल जारी से सरकार के विधायक सरकार पे तीखे सवाल करण लाग रहे सर विपक्ष की तो बातें न्यारी से। बुधवार ने भी बजट सत्र हंगामेदार रहा। शून्यकाल के दौरान नारनौंद विधायक रामकुमार गौतम जोगीराम सिहा गरीश्वर सिंह ने कई अहम मुद्दों पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। जेजेपी के बागी विधायक रामकुमार गौतम ने जाटों सहित छह जातियों के आरक्षण का मुद्दा फिर तगड़मा दिया। आरक्षण का तीर जुकर लिकड़ा तो कई विधायक उसके समर्थन में आ गए। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी जाट आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने और जाटों समेत छह जातियां आरक्षण देने का समर्थन कराया। बजट सत्र के चौथे दिन बीजेपी विधायक असीम गोयल ने अम्बाड़ा में गंदगी का मुद्दा उठाया। गृह मंत्री अनिल विज ने उसका जवाब दिया। विज ने कहा कि तावड़ाए अम्बाड़ा शहर गंदगी मुक्त बनाया जाएगा। मेरा और मंत्री जी का जो मर्ज है जो दिक्कत है वो एक ही है। मलकानी कमीशन अनडिवाइडेड हरियाणा पंजाब जब था जी 1966 से पहले कमीशन बना था मलकानी कमीशन। उस मलकानी कमीशन ने एशिया के सबसे गंदे शहरों में से एक अम्बाला का नाम लिया था। आज अवस्था ये है कि जो 17 एकड़ जमीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कूड़े के लिए निश्चित की थी वो लैंडफिल हो चुका है बिल्कुल।
कि इसकी निविदा को जल्दी से जल्दी इसके नियमों में बदलाव करके एक जो निविदा है वो आमंत्रित की जाए। आदरणीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, जय चिंता व्यक्त की है। कई वर्षों से ये नॉन प्लानिंग की वजह से ये पेंडिंग रहा, और जैसा बताया कि हमारी सांसद ने इसकी जगह शिफ्ट कर दी अनजान कारणों से और इसको पंजाब के बॉर्डर के नज़दीक ले गए, तो इसके लिए NOC लेने में कई साल लग गए, जिससे सारा जो उसकी मशीनरी थी वो सारी खराब हो गई। हम शहर शहर के अलग अलग बनाएंगे और वेस्ट टू कंपोस्ट बनाने का हम प्रोजेक्ट करेंगे, जो कि छोटा होता है और उसके लिए पार्टियां आ भी जाती हैं और लोग ले भी लेते हैं उसको, फिर हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन एक बार हम अभी इसका टेंडर और लगाएंगे। स्कूलों की कमी न लेकर विधायक जगदीश नायर ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से सवाल करे, जिस पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने सरकार का प्लान बताया। मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय जी से, क्या इसके लिए कोई फंड अलॉट किया है आपने, और कितना पैसा इसके इस पर खर्च आएगा, और इसका टेंडर वगैरह आप कब तक कर पाओगे? अभी जमीन ट्रांसफर हुई है, 71 कनाल 9 मरले जमीन पंचायत से लीज पर ली है, और ये जमीन जो है विभाग के नाम ट्रांसफर हो गई है। इसी वर्ष गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंडौली में इस सेशन में क्लासेस शुरू कर देंगे। PWD BNR से जैसे ही लेआउट प्लान हमें बनकर मिलेगा तो हम इसमें कार्य शुरू कर देंगे। विधानसभा में भारत माता की जय के नारे ने लेकर भी घना हंगामा होया। बता दें कि सवाल के जवाब में कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने बीजेपी पर तंज कसा, बस फिर क्या था, पूरा ये सदन भारत माता के नारे तक गुंजन लग गया। नारे न लेकर कांग्रेस और बीजेपी विधायक आमिशामी हो गए, फिर दोनों ओर तक भारत माता की जय के नारे लागण लगे। ये भारत माता की जय, पौड़ी पड़ो, ये पाकिस्तानी है क्या? ये पाकिस्तानी है क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये पाकिस्तानी है। माता को तो अपमानित मत करो, अब आप लोगों की ये आदत बन गई कि भारत माता को वंदे मातरम को अपमानित करने की। भारत माता की जय के बाद हो गया, ठीक है, माफी मांगनी होगी। आपको ये भारत माता की जय नजर आती है? भारत माता, आप भारत माता की जय को अपमानित करने के लिए यूं करते हो? इनेलो नेता बैसिंग चौटाला धान घोटाला किलोमीटर स्कीम घोटाले ने लेकर सरकार ने घेरण लगे। स्पीकर के रोकण पर वह बड़क गेर स्पीकर ते वे बढ़न लगे। स्पीकर ने कहा कि आपका सवाल हो गया सही बाप बैठ जाओ। बाद में वह चौटाला ने सदन से वॉकआउट कर लिया। बुधवार की कार्यवाही में जाट आरक्षण का मुद्दा सब तक घना गर्म मुद्दा रहा। जाट आरक्षण के दौरान दर्ज हुए किसान वापस लेने की मांग कई विधायिका ने ली और उन मांग का समर्थन भी कई विधायिका ने कराया। तो वहीं घोटाले ने लेकर विपक्ष ने सरकार व्यापी शब्द बाण छोड़े। हरियाणा न्यूज खातर चंडीगढ़ राकेश गुप्ता की रिपोर्ट से। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, उनने दिल्ली हिंसा खातर कांग्रेस जिम्मेदार बताई है। इसकी गेले गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली हिंसा ने देखते हुए प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि किसी ने भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। देखो के बोले में, दिल्ली हिंसा के बहाने वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने हिंसा ने लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उनने कहा कि कांग्रेस ने पहले CAA पर लोग भड़काए और जब आग लगी तब अपने घर में बैठकर तमाशा देखने लग रहे सर राजी हो रहे हैं। CAA को लेकर आग लगाई गई है, ये कांग्रेस द्वारा ही लगाई गई है। इन्होंने घूम घूम के सारे हिंदुस्तान में लोगों को इसके खिलाफ भड़काया है, और अब जब आग लग रही है तो अपने घर के झरोखों में बैठकर आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि जो हम चाहते थे हमने करके दिखा दिया। तो वहीं हरियाणा में अलर्ट पर बोलते हुए गृह मंत्री ने साफ कर दिया है अगर किससे से भी प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत को न दी गई है। और गृह मंत्री ने कहा कि इसने लेकर सारे जिला में अलर्ट जारी कर दिया है।
नहीं, बिल्कुल अलर्ट है, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं, बिल्कुल निर्देश दिए गए। टेनुला कानून व्यवस्था पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सेलजा के उठाए गए सवाल पर भी विज ने पलटवार कराया। वेन्यू बोले कि प्रदेश में शांति से, लेकिन सेलजा ने बेरा कोन्या, वह की तो घूमन लाग रही से और इसे सवाल बेरा न में की ऊपर ठान लाग रही से। अब सेलजा पता नहीं कहाँ घूम रही है, कहाँ से बोल रही है। प्रदेश में तो पूर्ण रूप से शांति है और पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था पर नियंत्रण है। दिल्ली में हिंसा न देखते हुए पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। इसकी गेले गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में किसी ने भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। दिल्ली से सटे होने की वजह से हरियाणा में विशेष सावधानियां बरती जा रही है ताकि इसकी लपट जो है हरियाणा तक नहीं पहुँच पावे। हरियाणा न्यूज खातर अम्बाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट से। हर मंगलवार ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने शुगर मिल में गड़बड़ जाले का मामला उठाया और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर सवाल भी उठाए, जिस पर आज मनीष ग्रोवर ने बीबी बत्रा और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। देखो के बोले वे। शुगर मिल मामले में वार पलटवार का दौर जारी है। एक और इस मुद्दे ने विधानसभा में उठाकर कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने मनीष ग्रोवर घेरे थे, वही दूसरी ओर इब मनीष ग्रोवर ने बीबी बत्रा पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला है। मनीष ग्रोवर ने कहा था कि बीबी बत्रा न तो कदे राजनीति में ढंग तक काम कर पाए थे और न ही कदे वकालत कर पाए थे, न किसाना का दर्द भी क्यों कर जानेंगे। तो वही रोहतक शुगर मिल में हुड्डा सरकार के दौरान एक किलो चीनी 20,000 में बनी थी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीबी बत्रा कित थे। बीबी बत्रा इसको पता है नहीं, राजनीति का बाबू है वो, कोर्ट में प्रैक्टिस कभी की नहीं। भूपेंद्र हुड्डा उसको केस दिवा देता, सरकारी अधिकारी, उसको क्या पता शुगर मिलों के बारे में, किसानों के बारे में क्या पता उसको। वो सवाल खड़ा कर रहा है पानीपत की शुगर मिल 5,000 TCD की क्यों लगा दी, उसको पता 5,000 TCD क्या होती है, मेरे से पूछे आगे। मनीष ग्रोवर ने न्यू भी कह दिया, कुन्ने तो अदालत में केस भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर मिला करते। इस मौके पर ग्रोवर ने हुड्डा पर भी पलटवार कराया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीबी बत्रा वर्गे लोग केवल जनता ने गुमराह करने का काम करे से। तो वहीं ग्रोवर ने न्यू भी कहा कि बीबी बत्रा गलती से रोहतक के विधायक बन गए, उन्हें जनता से माफी मांग लेनी चाहिए। आज आप सवाल खड़ा कर रहे हो किसानों पे, हम किसानों की आमदन बढ़ाना है तो गन्ने में किसानों की अच्छी आमदन होती है। बीबी बत्रा जी आपको पता नहीं है, गलती से आप लोग बन गए, गुमराह करा लोगों को, ये एलिवेटेड बताकर लोगों के साथ कैंसर है शहर का एलिवेटेड विरोध किया। जनता आपके आगी चक्रों में, जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। शुगर मिल में घपड़े पर सियासत जारी है। तैसे में दूध का दूध और पानी का पानी जब होगा, जब इस मामले की गहनता से जांच करी जाएगी। हरियाणा न्यूज खतर रोहतक से हर्षवर्धन की रिपोर्ट से। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला कुरुक्षेत्र के पीपली रेस्ट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से रूबरू होते हुए दिग्विजय ने कई मुद्दों पर अपनी बात सब कशा मिधरी। सरकार के बजट प्रोग्राम ने लेकर दिग्विजय ने कहा कि राज्य सरकार इस बार जनहितेशी बजट पेश करेगी, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली हिंसा पर मीडिया से बातचीत में दिग्विजय ने बताया है कि राजधानी में हिंसा कति बर्दाश्त होना करी जा। कुरुक्षेत्र जिला और हरियाणा प्रदेश के अंदर जेजेपी की पार्टी को की ताकत को दुगना और तिगना करना है, उसके लिए एक एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से काम कर रहा है और जितनी तेजी से और जितनी मजबूती से जेजेपी पार्टी आगे बढ़ रही है, इसमें कोई दोराय नहीं कि आने वाले वर्षों में दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में अपने दम पर भी जननायक जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी, वो दिन भी दूर नहीं। स्वयं बजट जब पढ़ेंगे तो खुशहाली का, समृद्धि का पिटारा लेकर के आएंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता के चेहरों पर इस बजट को सुनने के बाद खुशी की लहर दौड़ेगी, मैं ऐसा मानता हूं। और युवा पीढ़ी को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के जो हमारी बड़ी चिंता है, उसको भी वो दूर करेंगे। ब्रेक के बाद आप सारा का घना स्वागत है। चालो बड़ा खबर की ओर। खबर है कि डिजिटल इंडिया ने लेकर जुलाना की 38 पंचायत डिजिटल कर दी है, जिसमें अब सारे काम ऑनलाइन होवेंगे। देखो के की मोया। जुलाना खंड की सारी ग्राम पंचायतों में अब डिजिटल सिग्नेचर व्यवस्था लागू होगी। केंद्र सरकार की ओर तान आली विकास कार्यों की राशि का भुगतान सीधे वेंडर के बैंक खाते में होगा।
किसी भी गांव में करे गए विकास कार्य की राशि का भुगतान ग्राम सचिव और सरपंच मिलकर ऑनलाइन भुगतान करेंगे। डीडीपीओ धर्मवीर ने कहा कि इस प्रणाली के बाद जुलाना खंड की पंचायतों में गबन के मामले पर रोक लगेगी। डीडीपीओ ने बताया था कि जिले में 38 पंचायत हैं और उनमें डिजिटल सिग्नेचर का काम पूरा हो रहा है। ये बताई पूरे हरियाणा में 52% डिजिटल सिग्नेचर कार्य प्रणाली का काम पूरा हो चुका है। इसका संचालन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत करा जा रहा है। इसके बाद हर ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड भी दुरुस्त हो जाएगा। उन्होंने बताया था कि इब कोई भी सरपंच न्यू नहीं बोल पाएगा अक मेरे सिग्नेचर नहीं से या फिर मैं सिग्नेचर नहीं कर सकता। या तो इस प्रणाली में डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होगा। पहला सरपंच प्रस्ताव लेकर बैंका में जाया करते जिसमें बहुत सारा टाइम भी लग गया करता, लेकिन इब रियल टाइम भुगतान जिससे RTGS हो वैसे है उससे टाइम की भी बचत हो जाएगी और पारदर्शिता आएगी। 38 ग्राम पंचायतें जुलाना ब्लॉक में है, सभी ऑनलाइन हो चुकी है। इससे ऑनलाइन से अपने नेट पे आएगा, कोई भी किसी गांव का काम अपनी जानकारी दे सके, सरकार भी कोई भी सदस्य जो ग्राम सभा का वो अपने ऑनलाइन देख लेगा। ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे काम गुणवत्ता आएगी, समय की बचत होगी। सरकारी योजनाओं में सरकारी तंत्र अपने हिसाब से चाले से और गांव के प्रधान अपने हिसाब से हैं, तो यो एक कारण से कि बहुत सी योजना पंचायत में सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रही है। तो इससे बीच पंचायत का डिजिटल होना ग्रामीण खातर एक अच्छा कदम है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र ने भी लाभ होगा और ग्रामीणा ने भी लाभ होगा। हरियाणा न्यूज खातर जुलाना तया जगमेश की रिपोर्ट से। लोग जड़े अपनी एक गृहस्थी में बस जा से और अपनी गृहस्थी में बसे पाछे वह दुनिया ने भूल जा से। तो वही कोसली के एक दिव्यांग मास्टर ने अपना सारा जीवन दूसरे का नाम कर दिया। इन्हें समाज हित में कई सराहनीय काम करे से, इसकी गहलाए ये कई सम्मान तभी नवाजे जा चुके से। देखो उनके बारे में। आज के टाइम में जड़े एक और लोगा द्वारा खुद खातर भी टाइम कोना था, वही दूसरी ओर कोसली में रहे नाड़े मास्टर भूदत शर्मा से, जिन अपनी पूरी जिंदगी दूसरे की सेवा के नाम कर दी। मास्टर भूदत शर्मा बाकली के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में काम करने लाग रहे हैं। वे पैरा तराख्या तो दिव्यांग से, बावजूद इसके उन गरीब बालका तई मुफ्त शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय काम करने का बीड़ा उठाया है। मास्टर भूदत शर्मा स्कूल की छुट्टी के बाद हुड्डा ग्राउंड कोसली की स्लम बस्ती में बालका ने निःशुल्क पढ़ावत है, ताकि गरीब बालका ने भी शिक्षा मिल सके और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तब बालका खातर स्टेशनरी कपड़े और खाने का भी प्रबंध करें से। भूदत शर्मा 2 अक्टूबर 2019 ने पर्यावरण संरक्षण खातर पॉलीथिन मुफ्त भारत के अभियान में भी शामिल हुए और 9000 कपड़े के थैले बनवा के उन्हें निःशुल्क बांटे। उन्होंने बताया कि समाज खातर उनका जीवन इस कदर समर्पित है कि उन्हें नहीं बताई व्याधि को ना करा से। मैं समाज से जुड़ा रहना चाहता हूं, इसलिए मैंने आज तक कभी अपनी शादी के बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि पूरी तरह गृहस्थ में आने के बाद समाज सेवा में जुड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मैं पूरी तरह सुबह निकलता हूं और शाम को 6 बजे तक घर बैठता हूं और शाम के समय स्कूल के बाद सलम बस्ती हुड्डा ग्राउंड कोसली में जो बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके उनको शाम को थोड़ा शिक्षण का कार्य करवाता हूँ, ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। मास्टर भूदत शर्मा ने समाज के हित के कार्य खातर राज्यपाल राज्य सरकार की ओर से कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन्हें हाल ही में 26 जनवरी ने SDM और DSP की ओर से भी सम्मानित कराया गया। भूदत शर्मा समाज खातर मिसाल से। हरियाणा न्यूज खातर कोसली से सत्य नारायण की रिपोर्ट। गया चौहाना में 2 कर्मचारियों ने सस्पेंड करने के बाद हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के सदस्य ने विरोध प्रदर्शन कराया है, जिसमें उन्हें सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी और पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूनियन यूनिट सचिव सुरेश कुमार ने कहा कि विभाग के कर्मी संदीप और अजीत जो से बिना कारण वे निलंबित कर दिए, जो कि घनी नाइंसाफी है जिसके कारण यूनियन के सदस्य में घना छो है। साथ ही उन्हें सरकार तक कहा कि अगर सरकार ने ताबड़े उनका निलंबन रद्द नहीं कराया तो वह कोई ठोस कदम ठानने मजबूर हो जाएंगे। हमारे 2 साथी, एक अजीत LDC और एक संदीप लैंडमैन को SC ऑपरेशन फतेहाबाद के द्वारा नजायज सस्पेंड कर दिया है। उसके विरुद्ध में SSV वर्कर यूनियन इसका घोर विरोध करती है और यहाँ संघर्ष पे उतारू हुई है, जिसका SC फतेहाबाद कोई कारण नहीं बताया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, सीधा ही सस्पेंड किया गया है। हमारे दोनों साथी निर्दोष है। हमारी मांग है जब तक इनको बहाल नहीं किया जाएगा SSV वर्कर यूनियन इसी तरह विरोध करती रहेगी। हमारा अभी तो 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है, अगर
ऐसी भद्देवाद बात को नहीं मानते हैं तो हम लगातार इसी तरह काम भी बंद करेंगे और डिवीजन स्तर पर सर्कल स्तर पर भी प्रदर्शन करेंगे। तो मारे इस खास बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से आप देखते रहियो हरियाणा न्यूज। राम राम।